हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, दो तीन दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी बिजी होने के कारण। जैसा कि बीपीएससी TI2 का ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रहा है, इस कारण से थोड़ा बिजी रह रही हूँ। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, मैं डेली बेसिस पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस लेती लाती रहूँगी और एक एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको डीपली अध्ययन कराऊँगी। और जैसा कि आप सबका बीपीएससी TI3 का जो मार्च में एग्जाम होने वाला है, 15 फरवरी तक नोटिफिकेशन भी निकल जाएगा, तो आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। एंड जिसका भी नहीं हुआ है, एक दो नंबर के चलते उन लोगों का अवश्य हो जाएगा। और सभी अच्छे से तैयारी करें और मैं डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, एक एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको डीपली अध्ययन कराऊंगी। जैसा कि मैंने जो भी पढ़ाया था दोस्तों, सभी क्वेश्चन उसी से आए हुए थे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमने नहीं पढ़ाया था। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, यानी अंग संचालन और जैव यांत्रिकी विज्ञान। जैसा कि सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स का अर्थ क्या होता है। किनेसियोलॉजी दो शब्दों, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, किनेसिस प्लस लोगस। किनेसिस का अर्थ होता है गति और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी किनेसियोलॉजी का अर्थ हुआ गति का अध्ययन। अब गति विज्ञान के जनक हैं गति, किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स दोनों के जनक हैं अरस्तु, याद रखिएगा। एंड किनेसियोलॉजी यानी कि प्राणी के शरीर की गति के विषय में अध्ययन, यानी प्राणी का शरीर किस प्रकार बल पैदा करके शरीर को गति प्रदान करता है। जबकि दोस्तों, जो बायोमैकेनिक्स है वह भौतिकी की शाखा है, भौतिक विज्ञान का शाखा है। जैसा कि क्वेश्चन पूछा भी था कि बायोमैकेनिक्स किसका शाखा है, तो भौतिक विज्ञान का एक शाखा है बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स जो है वह किसी वस्तु की गति के विषय में अध्ययन करके उस पर कोई बल क्रियाशील हो, यानी कि शरीर की संरचना, नाड़ी, तंत्र, मांसपेशी आदि के साथ भौतिक यांत्रिक विज्ञान के नियमों के सिद्धांतों को भी उपयोग में लाता है बायोमैकेनिक्स। तो दोस्तों, इसका अर्थ आप समझ गए और चलते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से आपको डिटेल में समझाते हैं। और पूरा वीडियो आप देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और एक एक टॉपिक में जो भी कराती हूँ दोस्तों, आपके भलाई के लिए कराती हूँ, कोई भी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होता है, आपके एग्जाम से रिलेटेड ही सभी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है हथेली। जैसे कि दोस्तों, ये किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स के दो पार्ट में हम बताएंगे, ये पहला पार्ट है। तो क्वेश्चन है, हथेली को नीचे की ओर घुमाना क्यों, क्या कहते हैं? हथेली को नीचे की ओर घुमाना और हमारा जो पेट की तरफ लेटना, ये आपका होगा प्रोनेशन मूवमेंट। जबकि हथेली को ऊपर की तरफ करना, आसमान की तरफ, और पीठ की तरफ लेटना, ये सुपाइनेशन पोजीशन होगा। एंड दोस्तों, नेक्स्ट है किनेसियोलॉजी अध्ययन करता है। तो अभी जस्ट में बताइए, किनेसियोलॉजी किनेसिस प्लस लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गति विज्ञान, यानी पेशी गति विज्ञान। ठीक है, पेशी गति विज्ञान इसका इसका अध्ययन करता है, पेशीय गति विज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आप इजी क्वेश्चन गलती करते हैं, एक एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों, प्रारंभिक वेग आपका कैसा है उस पर निर्भर करती है। यदि आप प्रारंभिक वेग में आप धीमी गति से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में आपके पास एनर्जी बचा रहेगा और पूरा एनर्जी आप लगा देंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग आपका कैसा है उस पर निर्भर करता है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। एंड नेक्स्ट है, यदि घर्षण को समाप्त करने के लिए जरूरी बल P है और सतह को जकड़ने वाला बल W है, तो घर्षण म्यू का गुणांक क्या होगा? तो उसका गुणांक होगा म्यू बराबर P/W। जैसे कि दोस्तों, आप जानते हैं कि जो घर्षण होता है, जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तो उसकी गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। यानी कि वह गुण जिसके कारण दो विषम वस्तुओं के मध्य प्रतिरोध बल उत्पन्न होता है, जो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की गति का विरोध करता है, उसे घर्षण बल कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। यानी जो किसी वस्तु की गति में सहायता करे, धनात्मक घर्षण बल है। जो किसी वस्तु की गति में विरोध करता है, वो ऋणात्मक घर्षण बल है। जैसे कि दैनिक जीवन में हम घर्षण बल का ही उपयोग करते हैं ज्यादातर क्रियाकलापों में। जैसे कि अगर खुरदुरा सतह है तो वहां पे घर्षण ज्यादा होगा और
स्मूथ चिकना सतह है तो घर्षण कम होगा, यानी घर्षण के लिए दो सतह का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है स्थिर ताकत को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो स्थिर ताकत यानी स्ट्रेंथ को डेवलप करने की तीन विधियां हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। एंड स्थिर ताकत को जिसमें मांसपेशी की लंबाई न बढ़ती है न घटती है, तनाव बना रहता है, उसे कहते हैं आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन यानी आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ, जिसमें वस्तु की लंबाई घटती बढ़ती है और तनाव बढ़ता रहता है, उसे कहते हैं आइसोटोनिक। और जिसमें एक समान गति होती है, पानी जैसे रोइंग एंड तैराकी आदि में प्रयोग किया जाता है, पानी वाले खेलों में वो आइसोकाइनेटिक होता है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा जब, तो दोस्तों जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है वहीं पे सेंटर ग्रेविटी पॉइंट होता है, तो वस्तु का भार अधिक होगा तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा। नेक्स्ट है खेलों में उच्च प्रदर्शन हेतु किस स्तर की व्यग्रता की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों इष्टतम स्तर की व्यग्रता, एक मतलब अच्छे स्तर की व्यग्रता होनी चाहिए। अब व्यग्रता आपके लिए बहुत ही जरूरी है इष्टतम उच्च प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों संतुलन निर्भर करता है, तो दोस्तों संतुलन जो है वस्तु के चौड़े आधार पर निर्भर करता है। संतुलन किस पर निर्भर करता है, वस्तु के चौड़े आधार पर, यानी कि आपका जो आधार जो है जितना ही चौड़ा रहेगा संतुलन उतना ही रहे अच्छा रहेगा, और आपका जो सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट है सीजी पॉइंट जितना नीचा रहेगा उतना ही आपका संतुलन अच्छा रहेगा। यानी कि संतुलन के लिए दोस्तों क्या आवश्यक है कि सीजी पॉइंट जितना नीचे रहेगा संतुलन उतना ही अच्छा रहेगा, और आधार जितना बड़ा यानी चौड़ा रहेगा संतुलन उतना ही अच्छा रहेगा। और दोस्तों संतुलन के लिए कार्य करता है हमारे कान में इंडोल लिम्फ नामक द्रव पाया जाता है जो संतुलन में सहायक होता है। और एक होता है विजुअल या काइनेस्थेटिक सेंस। विजुअल या काइनेस्थेटिक सेंस क्या होता है, ये अपने आप आता है, क्योंकि जैसे कि हमारा पैर कांच पर पड़ने से वाला होता है और उससे हम चटकी से पहले ही अपने पैर को हटा लेते हैं, ये हमारे शरीर में जो काइनेस्थेटिक सेंस होता है उसके कारण होता है। तो याद रखिएगा जो महिलाओं का गुरुत्व केंद्र होता है पुरुषों की अपेक्षा नीचे होता है, और बच्चों का गुरुत्व केंद्र जो होता है वो पुरुषों की अपेक्षा ऊपर होता है, ठीक है, क्योंकि महिलाओं की पेल्विक का जो भाग होता है वो चौड़ा होता है, इसलिए सीजी पॉइंट जो है सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट जो होता है वह पुरुषों से नीचे होता है, इसलिए महिलाएं संतुलन वाली क्रियाएं ज्यादा अच्छे से कर सकती हैं। एंड नेक्स्ट है कौन सा उत्तोलक खेल प्रक्रिया में ज्यादा प्रभावशाली रहता है, दोस्तों तो आपको पता है तृतीय प्रकार का उत्तोलक, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि एफ ए आर 312, यानी कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एक्सेस बीच में होता है फोर्स और रेसिस्टेंस के, और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होता है, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में फोर्स बीच में होता है। और प्रथम प्रकार के उत्तोलक को संतुलन का लीवर, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक को बल का लीवर, तृतीय प्रकार के उत्तोलक को गति का उत्तोलक कहते हैं। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है पाई जाती है तृतीय प्रकार का उत्तोलक, सबसे कम प्रयोग होता है प्रथम प्रकार का उत्तोलक। दोस्तों प्रथम प्रकार के उत्तोलक में मैंने उत्तोलक के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, सभी वीडियोज देख लीजिएगा क्योंकि इसमें इतना बताएंगे तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं बस से एक शॉर्ट में बता देती हूँ। जो हमारे बॉडी में एग्जांपल है प्रथम प्रकार के उत्तोलक का, जैसे कि एक्सटेंशन ऑफ फोर आर्म, एंकल फ्लेक्शन, सिर का आगे पीछे झुकना, वॉलीबॉल में स्मैश करना, वी सीटअप, ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक जो बल का लीवर कहलाता है, इसके अंतर्गत प्लांटर फ्लेक्शन, पुशअप, जबड़े का खुलना बंद होना, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल पंजे में इसे एग्जांपल लेना, ये सब द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का एग्जांपल है। तृतीय प्रकार का उत्तोलक में को गति का उत्तोलक कहते हैं, इसमें फोर्स बीच में होता है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आर्म फ्लेक्शन, थाई फ्लेक्शन, हैमस्ट्रिंग कर्ल, घुटने का मुड़ना, सीट अप, हाथ को ऊपर उठाना आदि आता है। तो दोस्तों उत्तोलक से क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए अच्छे से इसको समझे रहिएगा, मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। नेक्स्ट है किस उत्तोलक के में आधार तथा भार के बीच में बल होता है, क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा,
तभी आप अच्छे से क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि आता भी रहेगा तो क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ेंगे तो आंसर गलत देंगे। ये क्या कह रहा है कि किस उत्तोलक में आधार तथा भार के बीच में, किसके बीच में, आधार तथा भार के बीच में बल होता है, तो बीच में बल कह रहा है यानी कि फोर्स है बीच में, तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होगा। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो शरीर रचना विज्ञान, यहाँ स्ट्रक्चर की बात है, वहाँ बॉडी मानव शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है रचना विज्ञान के अंतर्गत। और उस मानव शरीर की जो अंग है, जो भी प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं, क्रियाओं का कार्य करता है किनेसियोलॉजी। फंक्शंस की बात करें तो फिजियोलॉजी यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान होगा, और स्ट्रक्चर की बात करें तो रचना विज्ञान यानी कि एनाटॉमी होगा। नेक्स्ट दोस्तों, कोणीय वेग है। कोणीय वेग क्या है? कोणीय दूरी की दर। जैसे नेक्स्ट है, कौन सा तल शरीर का ऊपरी तथा निचले भागों में विभाजित करता है? तल यानी कि जो प्लेन होता है, प्लेन और एक्सिस दोनों तीन होते हैं, जो हमारा तल होता है, एक्सिस होता है और तल होता है। एक्सिस क्या होता है? एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके चारों ओर गति होती है। जबकि प्लेन का होता है वह सतह जो एक्सिस के लंबवत पाया जाता है। जैसे कि हमने आपको प्लेन और एक्सिस के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देखिए। तो टाइप ऑफ प्लेन तीन प्रकार का होता है, सेजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। सेजिटल प्लेन को लेटरल या मीडियल प्लेन भी कहते हैं, और फ्रंटल प्लेन को क्रोनल या एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन भी कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल प्लेन को ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। जो सेजिटल प्लेन होता है वह शरीर को सेजिटल प्लेन क्या करता है, शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है और गति आगे पीछे होती है, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट। और फ्रंटल प्लेन जो होता है, शरीर को आगे पीछे बांटता है और गति दाएं बाएं होती है, जैसे एब्डक्शन एडक्शन मूवमेंट। और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है वह शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन को ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रांसवर्स प्लेन होगा, इसलिए उसके उपनाम को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तानन और अधोवर्तन गतियां किससे संबंधित है? उत्तानन अधोवर्तन, तो दोस्तों उत्तानन अधोवर्तन यानी कि सुपाइनेशन प्रोनेशन की बात कर रहा है, यानी कि अगर हम पेट के दर से लेटते हैं और हथेलियां जमीन की तरफ होती है तो वो प्रोनेशन होता है यानी अधोवर्तन। जब हम पीठ की तरफ लेटते हैं और हथेलियां आसमान की तरफ होती है तो वो सुपाइनेशन होता है यानी उत्तानन। तो यहाँ पे हिंदी में दिया है, मैं इंग्लिश में बता दे रही हूँ, सुपाइनेशन प्रोनेशन जो गतियाँ होती है रेडियस अल्ना हंदी के संधि से होती है। रेडियस हड्डी जो होता है वो अल्ना पर फिसलती है तो गति होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस प्रकार के उत्तोलक में भार बल तथा आलंब के बीच में होता है? तो फिर से आप देखिएगा कह क्या रहा है, किस प्रकार के उत्तोलक में भार जो है बल और आलंब के बीच में होता है? तो भार बीच में है तो हो जाएगा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक प्रक्षेप्य द्वारा अपने प्रक्षेप वक्र की चोटी तक पहुंचने के लिए लगे समय को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्रोजेक्टाइल से भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो एक प्रक्षेप द्वारा अपने प्रक्षेप वक्र की चोटी तक पहुंचने के लिए लगे समय को एसेंट टाइम कहते हैं। नीचे से ऊपर के जाने के समय को एसेंट टाइम कहते हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ आने वाले समय को डिसेंट टाइम लगे कहते हैं। नेक्स्ट है, वह प्लेन जो शरीर को सिस्टर व डेक्स्टर में विभक्त करता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सेजिटल प्लेन जो होता है शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है, और गति जो होती है आगे पीछे होती है, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट। नेक्स्ट है, किस एक्सिस या प्लेन पर मेरुदंड का आकुंचन एवं विस्तार होता है? तो दोस्तों आकुंचन विस्तार यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट की बात कर रहा है, तो वहां पे सेजिटल प्लेन ही होगा। एक्सिस में आपका होगा फ्रंटल एक्सिस, क्योंकि फ्रंटल एक्सिस हॉरिजॉन्टल, फ्रंटल एक्सिस जो होता है और सेजिटल प्लेन के लंबवत होता है, तो जो भी जिसके लंबवत होगा वही वाला गति आपका होगा। जो फ्रंटल एक्सिस होता है, एक्सिस भी तीन होता है, फ्रंटल सेजिटल एंड वर्टिकल एक्सिस। तो फ्रंटल एक्सिस सेजिटल प्लेन के लंबवत होता है तो गति सेजिटल प्लेन वाला ही होगा। जैसे सेजिटल प्लेन शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है और गति आगे पीछे होती है, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट। तो यहाँ आकुंचन विस्तार यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सिस होगा
फ्रंटल एक्सिस और प्लेन होगा सेजिटल प्लेन। तो यहाँ पे राइट होगा कोरोनल एक्सिस और सेजिटल प्लेन। कोरोनल यानी कि फ्रंटल एक्सिस को ही कोरोनल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कम दबाव के क्षेत्र का निर्माण किस भौतिक प्रवाह के द्वारा होता है? तो विक्षोभ प्रवाह के कारण। नेक्स्ट है, तरल घर्षण निर्भर करता है। जो तरल घर्षण होता है वह तरल दबाव, सक्रिय पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सापेक्षिक वेग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, हथेली को आगे या ऊपर की ओर घुमाने को क्या कहते हैं? तो उसे हम सुपाइनेशन कहते हैं, पीठ के बल लेटने को और हथेली को आसमान की तरफ आगे की तरफ घुमाने को सुपाइनेशन, और पीछे की तरफ घुमाने और पेट की तरफ लेटने को प्रोनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, किसका उपयोग करके मैकेनिकल लाभ प्राप्त किया जा सकता है? तो प्रथम और तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उपयोग करके मैकेनिकल लाभ लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी दौड़ प्रतियोगिता में समय की तुलना में वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, वेग में परिवर्तन के दर को ही हम क्या कहते हैं? त्वरण यानी कि संवेग कहते हैं। नेक्स्ट है, एनारोबिक एथलीट की तुलना में एरोबिक एथलीट का दिल कैसा होता है? तो दोस्तों, एनारोबिक जो कम समय की स्पीड से क्रियाएं होती हैं, हाई इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, कम समय की होती है, जहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया होती है, जबकि एरोबिक जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अधिक समय की क्रियाएं, सहनशीलता वाले क्रियाएं होती हैं, जिसमें आपका एरोबिक एथलीट का दिल जो है बायनिलय जो होता है, हमारा बायनिलय ज्यादा काम करता है हृदय का, तो बायनिलय का बढ़ा हुआ कैविटी आकार हो जाता है। नेक्स्ट है, ठोस और तरल की गति के बीच कार्यरत प्रतिरोध क्या कहलाता है? तो ठोस और तरल गति के बीच कार्यरत जो प्रतिरोध होता है उसे हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब घर्षण। तो ठोस और तरल के गति के बीच कार्यरत प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस को फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वह बल जो पानी के अंदर किसी वस्तु पर ऊपर का दबाव प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको उत्प्लावन बल या बायंट फोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब हम हाथ और कलाई के साथ एक सर्कल बनाते हैं तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसे हम सर्कमडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है, बायोमैकेनिक्स जिसमें बल की कार्रवाई का विश्लेषण शामिल है वह किस विज्ञान की शाखा है? तो दोस्तों, यह भौतिकी का शाखा है, बायोमैकेनिक्स। जैसा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था तो सभी ने किनेसियोलॉजी लगा दिया था, जबकि सभी का गलत था, ये भौतिकी का शाखा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रोनेशन एक संधि गतिविधि है जिसमें क्या होता है? प्रोनेशन यानी कि पेड़ की तरफ लेटना, हथेली नीचे की तरफ जमीन की तरफ होगा, तो अग्रबाहु का घूर्णन होता फलता हथेली पीछे की ओर हो जाती है। नेक्स्ट है, शॉर्ट पुट में उच्चतम गति निर्धारित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसमें आपका अधिकतम शक्ति यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ की जरूरत होगी, तो यहाँ पे कुल शारीरिक बल लगता है। नेक्स्ट है, भार के कौन कौन से दो प्रमुख घटक हैं? तो इसमें तीव्रता और मात्रा यानी कि इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम आपका दो प्रमुख घटक हैं। अगर तीव्रता, यदि मात्रा यानी कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या होता है कि कार्य को कितना समय तक किया गया, और तीव्रता होता है यानी इंटेंसिटी कि कितने स्पीड से किया गया, यानी जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा तीव्रता उतना ही कम होगा, वॉल्यूम यानी कि कार्य का समय जितना कम होगा तीव्रता उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम जाना जाता है, तो आप सबको पता है न्यूटन ने तीन नियम दिया है, जड़ता का नियम, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो दोस्तों, उनके तृतीय नियम को प्रत्युत्तर कार्यवाही यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का रूप से नाम से जाना जाता है। फिर से दिया है दोस्तों कि न्यूटन के तीसरे नियम है तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, न्यूटन का नियम। जैसे कि दोस्तों, न्यूटन एक महान दार्शनिक और गणितज्ञ थे इंग्लैंड के, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसपिया, और एक गति के तीन नियमों का प्रकाशन 1687 में प्रिंसपिया पुस्तक में किए। प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, जिसे कई नामों से जाना जाता है, जड़ता का नियम, अकर्मण्यता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो का नियम।
इसमें होता है कि कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे कि प्रथम नियम, गति के प्रथम नियम का, जड़त्व का नियम का उदाहरण है नाव खेना, स्प्रिंट दौड़ों में स्टार्ट लेना, रोमन रिंग का प्रारंभ, हैमर थ्रो का प्रारंभ, कुश्ती के विरोधी को ऊपर उठाना। द्वितीय नियम को संवेग का नियम, त्वरण का नियम, लाभ, मौसम, एक्सिलरेशन, मोमेंटम, बल के प्रतिफल का नियम आदि नामों से जाना जाता है। संवेग क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, यानी किसी वस्तु के एक निश्चित दिशा में संवेग परिवर्तन की दर का उस वस्तु पर लगाए गए बल के प्रतिफल का अनुपात क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। जो आपका जो त्वरण होता है, किसी वस्तु का त्वरण जो है वह लगाए गए बल द्रव्यमान त्वरण में आपसी संबंध होता है, यानी कि किसी वस्तु का जो त्वरण होता है वह बल के अनुक्रमानुपाती होता है और द्रव्यमान यानी भार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्वितीय प्रकार के जो गति के दूसरा नियम है त्वरण का नियम। त्वरण के नियम में रॉकेट को वायुमंडल में प्रक्षेपित करना, कुएं से पानी खींचने पर रस्सी का टूट जाना ये उदाहरण है। तृतीय प्रकार तृतीय गति के नियम के अंतर्गत क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जिसे एक्शन रिएक्शन, काउंटर फोर्स लॉ, लाभ, रेसिप्रोकल एक्शन आदि नामों से जाना जाता है। जैसे कि किसी वस्तु पर जितना बल लगाया जाता है उतना ही बल वस्तु हम पर भी लगाती है। पहले बल को क्रिया कहते हैं, दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं, यानी प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तृतीय प्रकार गति के नियम क्रिया प्रतिक्रिया के अंतर्गत तैराक द्वारा पानी में आगे बढ़ना, वॉकिंग यानी पैदल चाल, बंदूक चलने पर पीछे गिर जाना, गेंदों का ड्रिबलिंग करना, बाल को दीवार पर फेंकना, ऊंची कूद में खिलाड़ी द्वारा नम सतह की जगह ठोस सतह का चयन करना आदि आता है। नेक्स्ट है शरीर यांत्रिकी में किसे आंतरिक बल के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों बल जो है दो प्रकार का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यानी आंतरिक बल जो मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है, और एक्सटर्नल जो बाह्य बल होता है जैसे घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, हवा का प्रतिरोध आदि। नेक्स्ट है हाइपर एक्सटेंशन तब होता है जब एक्सटेंशन का कोण होता है 180 डिग्री हो जाता है। जैसे कि हम जब एब्डक्शन करते हैं, कंधे को बगल में उठाते हैं तो एब्डक्शन हो गया, जब पूरा ऊपर की तरफ उठा लेते हैं तो वो हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट है लीन बॉडी मास के घटक क्या है। तो लीन बॉडी मास LBM मांसपेशी, हड्डी और शरीर के अन्य गैर वसा उत्तक पुंज को हम कहते हैं लीन बॉडी मास। लीन बॉडी मास यानी कि दुबला पतला, यानी कि वसा रहित जहां पे रहेगा वही आपका लीन बॉडी मास होगा। बॉडी मास को दो भाग में बांटा गया है, लीन बॉडी मास और फैट बॉडी मास। लीन बॉडी मास जो होता है गैर वसा उत्तक पुंज होता है मांसपेशी, हड्डी और शरीर की। नेक्स्ट है किस अस्थि में लेटरल एपिकोंड्राइलाइटिस के रूप में भी जाना जाता है। तो लेटरल एपिकोंडेलाइटिस के नाम से जाना जाता है टेनिस एल्बो। नेक्स्ट है समगतिकी व्यायाम ऐसे खिलाड़ियों से ज्यादा लोकप्रिय है जो विकसित करना चाहते हैं बहुत ज्यादा उच्च गति की शक्ति। समगति आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। आइसोटोनिक का मतलब होता है आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, यानी सेम तनाव, यानी और जो पेशियों की लंबाई घटती बढ़ती रहती है, जैसे कि वेट लिफ्टिंग, जैसे कि दोस्तों डंबल अभ्यास। अब जो सेम लंबाई होती है, लंबाई घटती बढ़ती रही है, वो आइसोमेट्रिक होता है, जबकि समगति की सेम गति जो होता है आइसोकाइनेटिक जो होता है, आइसो मतलब सेम, काइनेटिक मतलब गति, यानी सेम गति जो मशीनों द्वारा पानी में ज़्यादा किया जाता है उसको आइसोकाइनेटिक कहा जाता है, और यह उच्च शक्ति गति शक्ति को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे रोइंग हो गया, तैराकी हो गया। नेक्स्ट है ऐसे गतिशील संकुचन जिसका मतलब है बराबर तनन, और इसे क्या कहा जाता है। तो बराबर तनन यानी कि समतान संकुचन, यानी कि गतिशील की बात कर रहा है, यहाँ आइसोटोनिक यानी समतान संकुचन होगा। आइसोटोनिक, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, यानी सेम तनाव की बात करें और पेशियों की लंबाई घटती बढ़ती है वहाँ आइसोटोनिक होगा। नेक्स्ट है प्रक्षेपित गेंद द्वारा तय किया गया लंबवत पथ क्या कहलाता है। तो उसे प्रक्षेपित पथ कहा जाता है, जो लंबवत पथ होता है उसको प्रक्षेपित पथ कहा जाता
है या पैराबोलिक कहा जाता है, जैसा कि इससे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। परवलयाकार या प्रक्षेप पथ कहा जाता है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, आप सबको पता है, त्वरण का नियम, पहला नियम जड़त्व का नियम, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट है, वह बिंदु जिस पर शरीर के सभी तल मिलते हैं उसे कार्डिनल पॉइंट या सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट, सीजी पॉइंट कहा जाता है। सीजी पॉइंट जितना नीचे होगा संतुलन उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट है, शारीरिक क्रिया आधारभूत रूप से क्या है। तो दोस्तों शारीरिक क्रिया जो है ये हमारी एक जैविक आवश्यकता है। नेक्स्ट है, किनेसियोलॉजी और खेल बायोमैकेनिक्स एक दूसरे से किस रूप से संबंधित है। तो दोस्तों खेल बायोमैकेनिक्स किनेसियोलॉजी का एक विशिष्ट भाग है। खेल बायोमैकेनिक्स जो है किनेसियोलॉजी का एक विशिष्ट भाग है। अब किसके अंतर्गत आता है, तो फिजिक्स के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है, जब कोई जोड़ गति करता है तथा इस दौरान उस जोड़ की दो हड्डियों के बीच कोण बढ़ता है तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं। तो जो कोण कम होता है तो फ्लेक्शन कहते हैं, और जब कोण ज्यादा होता है तो उसे विस्तारण या एक्सटेंशन मोमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है, पेशी गति विज्ञान किनेसियोलॉजी के जनक कौन है, तो अरस्तु है। नेक्स्ट है, अपाकुंचन यानी प्रोट्रैक्शन और अकुंचन रिट्रैक्शन क्या है, एक कंधे का जोड़ में होता है। प्रोट्रैक्शन कंधे को पीछे की तरफ ले जाना, रिट्रैक्शन वापस ले आना, ठीक है। नेक्स्ट है, हेमिस्ट्रिंग कर्ल किस लीवर का उदाहरण है। अभी जस्ट में बताई थी हेमिस्ट्रिंग कर्ल तृतीय प्रकार का लीवर का उदाहरण है। हेमिस्ट्रिंग कर्ल, एल्बो फ्लेक्शन एंड आपका सीट ऑफ, ए तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। नेक्स्ट है, कुश्ती में विरोधी को ऊपर उठाना न्यूटन के किस गति के नियम का उदाहरण है, तो ये प्रथम नियम जड़त्व के नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट है दोस्तों, तैराकी पानी में शरीर की ऊष्मा को किस प्रक्रिया के तहत छोड़ते हैं, तो ये चालन प्रक्रिया के द्वारा छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, चलने की जटिल प्रक्रिया का विश्लेषण तथा वर्णन सबसे प्रथम किस व्यक्ति ने किया था, तो ए अरस्तु ने कहा किया था, क्योंकि फिजियोलॉजी बायोमैकेनिक्स दोनों के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। नेक्स्ट, शरीर में किस संचलन प्रक्रिया के दौरान संधि कोण में कमी आती है। दोस्तों तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके बीपीएससी में भी, कोण में कमी आता है फ्लेक्शन कहता है, कोण में वृद्धि होती है तो एक्सटेंशन मोमेंट होता है। नेक्स्ट है, जोड़ तथा पेशियों में स्थित रिसेप्टरों को क्या कहा जाता है, तो सुप्रे प्रायोसेप्टर कहा जाता है, जो लचीलापन से संबंधित होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि यदि कोई खिलाड़ी चलता है तो चलते समय हाथों और पैरों में होने वाली क्रिया को कौन सी गति होती है, तो जब हम चलते हैं तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होता है, तो उसमें कोण घटता है बढ़ता है, यानी कि कोणीय गति होती है, ठीक है, कोणीय गति होती है। नेक्स्ट दोस्तों, पुशअप किस प्रकार का लीवर है। दोस्तों याद रखिएगा, पुशअप जो है द्वितीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है, जबकि सीटअप तृतीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है, जबकि भी सीटअप प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। नेक्स्ट है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट का उदाहरण है। तो दोस्तों कार्पस और टार्सस ज्वाइंट जो होता है हमारे कलाई पर, वहां पे ग्लाइडिंग ज्वाइंट होती है। नेक्स्ट है, ट्रैक में दौड़ते समय धावक मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकता है। तो दोस्तों ये अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है, जैसे कि एक अभिकेंद्रीय यानी कि सेंटर केंद्र की ओर लगने वाला बल को अभिकेंद्रीय बल, और केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल को हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और अपकेंद्रीय को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करते हैं। तो जब हम दौड़ते हैं ट्रैक पे तो हम बाईं ओर झुक जाते हैं, क्योंकि वो अभिकेंद्रीय यानी केंद्र की तरफ बल लगने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है, लंबी अस्थियों का मानव शरीर में क्या कार्य है। तो लंबी अस्थियों का मानव शरीर में उत्तोलक की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस संधि में अस्थि को 360 अंश तक घुमाया जा सकता है। तो कंदुक खलिका संधि यानी कि बॉल एंड साकेट ज्वाइंट जो होता है, जो हमारे कंधे का ज्वाइंट और हिप का ज्वाइंट होता है, जो हमारे कंधे का ज्वाइंट होता है, इसको 360 अंश तक घुमाया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है। तो 400 मीटर ट्रैक होती है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का हमारे ऊपर असर किस रूप में होता है। दोस्तों तो भार के रूप में, जहां पे समस्त का भार कार्य करता है वहीं पे गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है? तो उसके पेल्विक वाला जो भाग होता है चौड़ा होता है, इसीलिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का जो गुरुत्वा केंद्र होता है, सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट होता है, वो पुरुषों की अपेक्षा नीचे होता है। नेक्स्ट दोस्तों, जंपिंग जैंग में हाथ को बगल में उठाना किस गति का एक उदाहरण है? तो बगल में उठाना एब्डक्शन का उदाहरण है, फिर वापस लाना एडक्शन का। नेक्स्ट, मांसपेशी संकुचन तथा स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों हक्सले के द्वारा दिया गया था 1954 में। इन्होंने ही बताया था कि मांसपेशियां कैसे संकुचन और प्रसारण होती हैं। नेक्स्ट है, मांसपेशी संकुचन के दौरान यदि किसी मांसपेशी के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं? तो आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लंबाई सेम है, उसे हम आइसोमेट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट है, पेशी और संधि द्वारा प्रतिक्रिया के उपकार में कौन सा रसायन उपयोग होता है? तो कॉर्टिसन रसायन उपयोग होता है। नेक्स्ट है, फुटबॉल खेलते समय किस प्रकार की ऊर्जा उपयोग में आती है? तो गतिज ऊर्जा उपयोग में आती है। नेक्स्ट है, चक्का जब छोड़ा जाता है तो उस समय कौन सा बल लगता है? तो दोस्तों उस समय अपकेंद्री बल, जो बाहर की तरफ बल लगता है, वो ज्यादा लगता है, केंद्रापसार यानी कि अभिकेंद्री बल से अधिक लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारा अपकेंद्री बल है यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो केंद्राभिसारी बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स से अधिक होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी केंद्राभिसारी यानी कि बल मतलब केंद्र की तरफ लगने वाला बल, अपकेंद्री मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लगता है। जब हम चक्का छोड़ रहे हैं तो उस कंडीशन में बाहर की तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ कम, यानी कि अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल से ज्यादा लग रहा है। नेक्स्ट, प्रत्येक संचरण में होता है, तो प्रत्येक संचरण में दोस्तों एक धुरी होता है और एक तल यानी कि एक एक्सिस होता है, एक प्लेन होता है। नेक्स्ट है, स्थिति में परिवर्तन क्या है? तो दोस्तों स्थिति में परिवर्तन को हम विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट है, पावर लिफ्टिंग में प्रकार होते हैं, तो पावर लिफ्टिंग में स्क्वाट, बेंच प्रेस, हेड लिफ्ट आदि होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, वजन उत्तोलन यानी कि भारोत्तोलन प्रतियोगिता में दो प्रयासों के बीच में कितना वजन को हम बढ़ा सकते हैं? तो 5 kg। नेक्स्ट है, एक पेशी संकुचित होती है तो लेकिन उसमें कोई संचलन यानी गति नहीं होती है, तो इस प्रकार के कंट्रक्शन को क्या कहते हैं? तो आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन कहते हैं, ये बार बार हम बता चुके हैं। नेक्स्ट है, श्रोणी संधि के इर्द गिर्द मांसपेशियों के 4 समूह होते हैं, इनमें से मध्यवर्ती मांसपेशी समूह किसके लिए कार्य करता है? तो वह अभिवर्तन के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक जिम्नास्ट शरीर के घूर्णन की त्रिज्या में फेर बदल करके लगातार कई बार क्षैतिजिक दंड पर ज्वाइंट स्विंग करता है, इसके लिए वह है? तो इसके लिए दोस्तों घूर्णन की त्रिज्या को लगातार बारी बारी से घटाता और बढ़ाता है। नेक्स्ट है, 100 मीटर की स्प्रिंट में निहित संचलन की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले द्रुत गति यानी कि जो एक्सेलरेशन फेज होता है वो होगा, फिर मंद गति वर्धन होगा, फिर शून्य गति वर्धन होगा, फिर ऋणात्मक गति वर्धन होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, व्यायाम के दौरान अधिकतम संभव उपापचय दर क्या होगा? तो दोस्तों लगभग आधे से कम हो जाएगा यदि हीमोग्लोबिन स्तर आधे से गिर जाएगा, यानी कि जब हीमोग्लोबिन स्तर आधे से गिर जाएगा तो जो हमारा मेटाबॉलिक उपचय दर है वह आधे से कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रयास यानी बल और टेक के बीच प्रतिरोध वाले लीवर को क्या कहते हैं? तो बीच में प्रतिरोध यानी भार की बात कर रहा है तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होगा। नेक्स्ट, टखने के स्वास्थ्य लाभ हेतु कौन सा व्यायाम किया जाता है? तो दोस्तों डॉर्सिफ्लेक्शन किया जाता है। एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ था डॉर्सिफ्लेक्शन किसमें संबंधित है, तो टखने से संबंधित है। तो टखने के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉर्सिफ्लेक्शन व्यायाम किया जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का कोण सदैव समतल पर बनता है? तो सम कोण जो है 90 अंश का जो कोण होता है वो सदैव समतल पर बनता है। नेक्स्ट है, पैर की उंगलियों पर शरीर को उठाना किस बात का उदाहरण है? तो यह द्वितीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है क्योंकि इसमें भार जो है बीच में होता है। एंड नेक्स्ट है,
कि ज्यादातर मांसपेशियां जो कूल्हे के जोड़ को गति प्रदान करती हैं, उसका उद्गम कहाँ होता है? तो श्रोणि से ही होता है। नेक्स्ट है, शरीर का कौन सा भाग गति की व्यापक सीमा बनाता है? तो यह होता है हमारा हाथ। नेक्स्ट है, मानव कंकाल में सबसे बड़ी संधि कौन सी होती है? दोस्तों घुटने की संधि, जो हमारा नी ज्वाइंट होती है वह मानव कंकाल की सबसे बड़ी संधि होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस श्रेणी के लीवर का बहुत मत होता है, यानी सबसे ज्यादा प्रयोग होता है? तृतीय प्रकार के उत्तोलक का, इसे जो फोर्स होता है, बल होता है, बीच में होता है। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर की मध्य रेखा से दूर जाने वाले मूवमेंट्स को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एबडक्शन, और शरीर की मध्य रेखा के पास आने वाले मूवमेंट्स को एडक्शन। नेक्स्ट है, शारीरिक क्रिया में जो मांसपेशियां शिथिल रहती हैं वो क्या कहलाती हैं? उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं, यानी कि जो गति में मांसपेशी संकुचन मुख्य भूमिका अदा करती है उसको एगोनिस्ट कहते हैं, और जो शिथिल होती है और विपरीत भूमिका अदा करती है उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। जैसे कि हम हाथ को फ्लेक्सर मोड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में मोड़ने का मुख्य भूमिका अदा कर रहा है हमारा बाइसेप्स मसल्स, तो बाइसेप्स मसल्स हमारा हो गया एगोनिस्ट, और उसकी विपरीत भूमिका अदा कर रहा है ट्राइसेप्स मसल्स, तो ट्राइसेप्स मसल्स हमारा होगा एंटागोनिस्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी का पार्ट होगा, दूसरा पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।